हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेरेस एंड गार्डनिंग। आज हम बात करेंगे कि अपने किचन वेस्ट से अपने पौधों के लिए, अपने गमलों के लिए अच्छे से अच्छी खाद कैसे तैयार करें, जो कि हमारे पौधों के बढ़ाने में और अच्छे फल और फूल पैदा करने में सहायक हो। इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता है, जैसे कि आप अपने ही टेरेस से वो सूखे पत्ते, अपने गार्डन की मिट्टी सॉयल, किचन का वेस्ट, और ये एक पाउडर है जिसे कि मैंने अमेजन से मंगाया था, आप भी मंगा सकते हैं, जो आपके किचन वेस्ट को डीकम्पोस्ट करने में मदद करता है। ये माइक्रोब्स रिलीज करता है, उनको पनपने के लिए माहौल देता है। और उसके साथ आपको ये एक बाल्टी जिसे कि मैंने मार्केट से ख़रीदा है और एज अ कंपोस्ट बिन तैयार किया है। इसे मैंने अंदर से एक टोटी लगाई हुई है जिसमें से कि मैं इससे लिक्विड जो निकले उसे फर्टिलाइज कर सकूं, और इसमें मैं इसी में आप लोगों को अपने किचन वेस्ट से कंपोस्ट तैयार करके दिखाऊंगा। एक जाली इस बाल्टी में रखने के लिए जिसके थ्रू लिक्विड हमें नीचे अलग से मिल जाए। इसके ऊपर हम अपने किचन वेस्ट को और सूखी पत्तियों को डालेंगे और उसके नीचे पानी रिस के नीचे चला जाएगा, जिससे कि हम उस टोटी के रास्ते निकाल लेंगे। अब चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि करना कैसे है। जाली को हम उल्टा करके रख देंगे ताकि पानी के लिए स्पेस हो, और जाली पूरी तरह से उसमें ठीक से बिठा देंगे। आप सब देख सकते हैं, ऐसे जाली बिठाने के बाद इसमें हम एक लेयर पत्तों की डालेंगे, सूखी पत्तियों की। सूखी पत्ती अगर आपको नहीं मिलती है तो आप लहसुन प्याज के छिलके भी यूज कर सकते हैं, या पेपर की कतरन भी यूज कर सकते हैं। एक लेयर सूखी पत्तियों के डालने के बाद हम इसमें अब गार्डन सॉयल थोड़ी सी छिड़काव कर देंगे भुरभुरी, और उसको छिड़काव करने के बाद, गार्डन सॉयल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे अपना किचन वेस्ट, जो कि हमने अपने किचन से मटर के छिलके हैं, इस समय सर्दियों में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं हमारे यहाँ, तो वो छिलके और आलू मटर छिलके, सब्जियों के छिलके, फल के छिलके, जो भी कुछ आपके किचन वेस्ट से अनाज छोड़कर आप किचन वेस्ट जो छिलके होते हैं या फिर फल फ्रूट होते हैं, इन्हें भी आप यूज कर सकते हैं। एक लेयर उसकी डालने के बाद हम आपको दिखाएंगे सूखी पत्तियों की जगह, देखिए मैं लहसुन के छिलके यूज कर रहा हूँ सूखी पत्तियों की जगह, आप भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास सूखी पत्तियां हैं तो बेहतर है, वरना आप लहसुन प्याज के छिलके या पेपर की कतरन कुछ भी यूज कर सकते हैं। ये सिर्फ इसलिए यूज़ किया जाता है इससे एयर का जो है सर्कुलेशन बना रहे, एक लेयर के रूप में ये एयर पास करने में मददगार होता है। उसके बाद हमने अमेजन से जो पाउडर मंगाया था, जो कि हमारे ये किचन वेस्ट को डीकम्पोस्ट करने में मदद करता है, ये माइक्रोब्स को पनपने का या फिर उन्हें रिलीज करता है, और माइक्रोब्स जो हमारे किचन वेस्ट को खा करके उन्हें सड़ाते हैं, गलाते हैं, और फिर उन वो खाद के रूप में तैयार होता है। इसे बस दो चुटकी आप उस लेयर के ऊपर छिड़काव कर दें, और पूरी लेयर के ऊपर इसका एक परत छिड़काव के रूप में बना दें। उसके बाद फिर से आप अपना किचन वेस्ट, पत्तियाँ, फल फ्रूट के छिलके, सब्जियों के छिलके, फिर से आप उसमें एक लेयर की तरह बिछा दीजिए, और बिछाने के बाद से उसमें अच्छे से बिछाने के बाद से फिर से आप अपनी गार्डन सॉयल उस पर भुरभुरा दीजिए। देखिए ऐसे आप अपनी गार्डन सॉयल को इस पर फिर से भुरभुरा दीजिए, और भुरभुराने के बाद फिर से हम क्या करेंगे कि वो अपना डिकम्पोस्टिंग पाउडर को उसमें फिर से एक बार ऊपर से भुरभुरा लेंगे, मतलब कि छिड़काव कर देंगे उसका। उसको छिड़काव करने के बाद हम इसमें जो ऊपर की लेयर बनाते हैं उसमें एयर सर्कुलेशन के लिए फिर से हम लहसुन के छिलके या प्याज के छिलके या सूखी पत्तियों को ऊपर से डाल के हल्के हाथों से उसे दबा लेंगे, और उस पर पाउडर फिर से डिकम्पोस्टिंग पाउडर को फिर से छिड़काव करके उसे फिर हम एक ढक्कन है इसका जिससे हम उसको पूरी तरह से पैक कर देंगे, और पैक करके किसी भी छायेदार स्थान पे रख देंगे जहां आपके डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। पर आइए फ्रेंड्स, अब आपको इसके बाद का प्रोसीजर दिखाते हैं।
जो कि मैंने 20 दिन पहले इस कंपोस्ट बिन में अपने जो कि मैंने फ्रूट क्रेट से बनाया हुआ है, इसमें करीब 20 दिन पहले मैंने ये किचन वेस्ट का डिकम्पोस्ट करने के लिए डाल रखा था, जो कि अभी 70% तक कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं इसको, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। हर 2-3 दिन पे इसको मैं हिलाता रहता हूँ, मिलाता रहता हूँ। आप इसको देख सकते हैं, ये 70% तक तैयार हो चुका है। और ये इसको इस कंपोस्ट बिन को मैंने फ्रूट कैरेट से तैयार किया हुआ है। ये 15 से 20 दिन में लगभग पूरी तरह से मेरा कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाएगा, जिसको कि मैं अपने गमलों में यूज करूँगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।